Like the rest of Gujarat, the development and construction of Dholera is on at full speed with complete civic residential and commercial amenities. ये पहले देश का सबसे बड़ी कंपनी कंस्ट्रक्शन कंपनी एलएनटी को इसको वर्क अवार्ड कराया गया है और क्वालिटी कॉन्शियस को पूरा मोटो रखा गया है और इसमें क्वालिटी में कोई कंप्रोमाइज नहीं हो रहा है, ठीक है ना। और इसमें जो फिनिशिंग है, एवरीथिंग फिनिशिंग, जो पावर डक्ट, आईसीटी डक्ट, प्री कास्ट यूनिट, जो जापान की टेक्नोलॉजी है उसको इसमें, उसका भी कास्टिंग यार्ड बनाया है, उससे इसका मटेरियल रिक्वायरमेंट हो रहा और वो क्वालिटी में कॉन्शियस हो रहा। आउट ऑफ दिस 22 स्क्वायर किलोमीटर एक्टिवेशन एरिया इज बीइंग डेवलप्ड बाय इंडियाज बेस्ट कंस्ट्रक्शन कंपनी एलएनटी। Under supervision of AECOM, the world leader in smart city development. While the rest of the world discusses the future, at Dholera, the future is now. Dholera SIR, tomorrow's future. One of the bridge of the canal. 7 major bridges. One out of 7 bridges. Yeah. East of Kapa. कितने ग्रीन पानी है ना अभी, जब ये बन जाएगा टोटल फॉरेन में पानी का, हाँ काफी अच्छा फॉरेन का कलर। और आगे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का भी काम चालू होगा ना पीछे, हाँ यहाँ पे ट्रीटमेंट करेंगे। ये क्या बन रहा है? ये तो ये है केनाल वाला एरिया, वाटर जो बना रहे हैं, वाटर क्या बोलते हैं उसको, रिजर्वर, वाटर रिजर्वर, 600 के पानी जाएगा ना, हाँ वही वाटर रिजर्वर। पीछे के हिस्से में इसका वाटर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट होगा पीछे।